उत्तर प्रदेश राज्य की जीएसटी आयुक्त द्वारा जीएसटी करापवचकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में मुरादाबाद मंडल के राज्य कर कमिश्नर ग्रेट वन आर ए सेठ के निर्देशन में अमरोहा और रामपुर के बीडी व्यापारियों के यहां टेम्पो ट्रेवल से 30 अधिकारियों एवं 30 पुलिस कर्मियों के एक साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस तरह से छापा मारा गया। अमरोहा रामपुर के बीड़ी व्यापारियों द्वारा भारी मात्रा में तेंदुपत्ता की अपवंचित खरीद करते हुए निर्माता व्यापारियों को सप्लाई की गई। तेंदुपत्ते से निर्माता व्यापारियों द्वारा बीड़ी का निर्माण करते हुए लेखा पुस्तकों के बाहर बिक्री की जा रही थी। अमरोहा में 3, रामपुर में 2 अघोषित गोदामों पर छापा मारा गया। छापे के दौरान अमरोहा स्थित गोदाम से 4000 बोरी तंबाकू वजन 5730 किलोग्राम, रामपुर स्थित गोदाम से 1500 बोरियां तंबाकू वजन 3700 ग्राम कुल 5500 बोरी तेंदुपत्ता और तंबाकू वजन 9430 किलोग्राम अभिलेखों के बाहर पाया गया, जिससे बीड़ी का निर्माण कर अपवंचिती बिक्री की जाती है। जांच के समय तक व्यापारियों द्वारा तत्काल देर शाम तक लगभग 1 करोड़ रुपए जमा किए गए। सुबह ये वसूली 3.5 करोड़ तक पहुंच गई। विभागीय जांच की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में करापवचन प्रकाश में आने की संभावना है। जांच के लिए अमरोहा की लीड संभाग ए श्री श्री हरि मिश्रा द्वारा कमान संभाली गई, तो वहीं मुरादाबाद और रामपुर पहुंची टीम की लीड संयुक्त आयुक्त मोहित गुप्ता के नेतृत्व में की गई। कमिश्नर ग्रेड 1 आर ए सेठ द्वारा जिला रामपुर और अमरोहा में यह सफलता प्राप्त करने वाली दोनों टीमों में शामिल राज्य कर विभाग के आला अधिकारियों के साथ टीम में शामिल सभी के कार्यों की प्रशंसा की गई। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस छापेमारी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए खुद कमिश्नर ग्रेड 1 आर ए सेठ सुबह ही टीमों के साथ रवाना हो चुके थे और दोनों टीमों का अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन करते रहे। देर शाम तक 1 करोड़ से अधिक वसूली का काम पूरा हो गया था। कमिश्नर ग्रेड 1 ने हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान के साथ बातचीत की और बताया कि पिछले 2 माह से उनके इन्फॉर्मर लगातार इन कंपनियों की रेकी कर रहे थे। कल ठीक समय पर एक साथ दोनों जिलों में मौजूद इन कंपनियों पर छापा मारा। 3.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी है। वहां पर पाया गया बीड़ी के बारे में हमको लगातार ये सूचना मिल रही थी कि बीड़ी के कारोबारी तेंदुपत्ता की खरीद कैश में कर रहे हैं, तो हमने इन्फॉर्मर लगाया, रेकी की, लगभग 2 माह से रेकी की जा रही थी कि रमजान के महीने में जो है बीड़ी में बनने का काम कम हो जाता है, ऐसे में तेंदुपत्ते का स्टॉक व्यापारी कर लेते हैं और उसके बाद जो है तेंदुपत्ता घर घर में तंबाकू के साथ बांट दिया जाता है। 1 किलो तेंदुपत्ता में लगभग 1000 बीड़ी का निर्माण होता है। ऐसी सूचना मिली कि गोदामों में इस समय तेंदुपत्ता भारी मात्रा में मौजूद है, जिसके पेपर व्यापारियों के पास नहीं है। 30 अधिकारियों की टीम के साथ 2 टेम्पो ट्रेवल से अमरोहा जिले में नौगवा स्थित और रामपुर में बीड़ी कारोबारियों के यहाँ छापा मारा गया सुबह 8 बजे, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता और तंबाकू अघोषित मिला है, जिसमें 1.1 करोड़ रुपए जमा कराया गया। सर, कितनी टीमें बनाई गई थी और कहाँ कहाँ दबे थे? 5 गोदाम घोषित थे, 7 जगह रेड की गई है अमरोहा और रामपुर में। इसमें एक सबसे बड़ी चीज निकल के आई यही है कि ये कैश में ही खरीद करते हैं, कैश में फिर उसको बिक्री कर देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है, जबकि करोड़ों रुपए की गाड़ियां रखे हुए हैं, टर्नओवर 50 लाख 60 लाख दिखाते हैं। अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और पूरी चेन को क्रैश किया जाएगा। सर, टीम में आपके कौन कौन से ऑफिसर साथ में? अमरोहा जिले में टीम को ज्वाइंट कमिश्नर श्री हरि मिश्रा जी ने लीड किया है, उसमें धर्मेंद्र सजान डीसीएसआईबी बिजनौर पुष्पेंद्र सिंह शामिल थे और अन्य खंड के अधिकारी, एसआईबी के अधिकारी। और रामपुर जिले में टीम का नेतृत्व तो किया श्री मोहित गुप्ता जीसीएसआईबी, विकास चौधरी और अन्य, सचंद्र मोबाइल स्क्वाड के अफसर और अन्य खंड के। कितनी रिकवरी हुई सर? 1.1 करोड़ रुपए दोनों जगह जमा हुआ है। आगे एनालिसिस जारी है, सब जांच प्रपत्रों की जांच चल रही है, आगे जो भी होगा वो टैक्स